जय श्री गणेशा। जैसा कि हम सब जानते हैं, गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल आने वाला है। हमारे गणेश जी गंगू जो बच्चों के बहुत ही फेवरेट होते हैं, और साथ ही साथ बच्चों का फेवरेट होता है मीठा। तो आइए आज हम किड स्पेशल में बनाएंगे टूटी फ्रूटी मोदक, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। टूटी फ्रूटी मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी के, और अब इसमें मैं ऐड करूंगा सूजी, तकरीबन 5 से 6 चम्मच। अब इन दोनों को अच्छे से हम भून लेंगे सूजी को। याद रहे, सूजी को हमें ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। हम इसको थोड़ा ही कुक करेंगे और लो फ्लेम में कुक करेंगे। सूजी अगर मेरी ज़्यादा कुक हो जाएगी तो इसका कलर ब्राउन हो जाएगा और हमारे मोदक दिखने में अच्छे नहीं बनेंगे। सूजी को आपको सिर्फ इतना ही भूनना है कि सूजी का जो कच्चापन है वो निकल जाए और इसका कलर चेंज ना हो। सूजी हमारी देखिए भुन गई है और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा करेंगे। अब हम दूध लेंगे और इसको करेंगे बॉयल। ये तकरीबन मैंने 350 ml दूध ले लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगा इलायची का पाउडर और चीनी। चीनी मैं ले रहा हूँ 4 से 5 बड़े चम्मच। अब दूध को अच्छे से हम चलाएंगे कि जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। दूध हमारा देखिए बॉयल हो चुका है, शुगर भी इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम सूजी ऐड करेंगे, पर ध्यान रहे सूजी हमें आराम आराम से कम क्वांटिटी में ऐड करनी है, नहीं तो लम्स बनने का इसके अंदर खतरा रहेगा। देखिए अब धीरे धीरे थिक होना स्टार्ट हो रहा है। सूजी का नेचर ऐसा होता है, वो थोड़ी फूलती है, तो ये हमारा लिक्विड सारा सोख कर लेगी और ये एक तरह का थिक डो बन जाएगा आपका। अब इसमें हम देंगे अपना ट्विस्ट, किड स्पेशल टूटी फ्रूटी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब हमें तब तक कुक करना है जब तक ये पूरा कढ़ाई ना छोड़ दे। देख सकते हैं आप, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब टेस्टी के साथ साथ इसको मैं थोड़ा सा हेल्दी भी बनाना चाहूँगा बच्चों के लिए। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगा ये मेरे मिक्स ड्राई फ्रूट्स। इसमें काजू है, किशमिश है, कोकोनट है, पिस्ता है। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी डालूँगा और इसको ठंडा होने के लिए रखूँगा, और उसके बाद हम इसके बनाएंगे मोदक। स्पेशल एक और मैं रेसिपी लेके आया हूँ जिसका नाम है ओरियो मोदक। तो आइए अब बनाना स्टार्ट करते हैं ओरियो मोदक। ओरियो मोदक बनाने के लिए सबसे पहले मुझे बिस्किट से क्रीम को अलग करना है। तो आइए इसको अलग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रीम को मैंने अलग कर लिया है, बिस्किट यहाँ पे आ गया है, क्रीम ये रही। अब मैं बिस्किट्स को मिक्सी में ग्राइंड कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मिक्सचर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा मिल्क, क्योंकि मुझे इसका डो बनाना है। शुगर मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, बिस्किट ऑलरेडी मीठा है और क्रीम है, क्रीम स्टफिंग है, क्रीम भी मीठी होती है। ये देखिए हमारा जो डो है चॉकलेट का, ये रेडी हो चुका है। और जो हमने इससे पहले टूटी फ्रूटी मोदक का डो रेडी किया था, वो भी फ्रिज में था ठंडा होने के लिए, ठंडा हो चुका है। आइए अब हम मिलके इन दोनों की स्टफिंग करते हैं। दोनों डो बिल्कुल अच्छी कंसिस्टेंसी में है और साथ ही ये इनकी स्टफिंग है। तो शुरू करेंगे हम ओरियो मोदक से। सबसे पहले ये मैंने जो मोल्ड दिया है इसको मैं थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लूँगा ताकि मेरा मोदक इस पर चिपके नहीं। ये मैंने अपना ओरियो वाला बेस लिया है, इसको अच्छे से लगाएंगे दोनों साइड फैला के, जो भी एक्सेस लग रहा हो उसको हम निकाल देंगे। थोड़ा सा बीच में मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसमें स्टफिंग करनी है क्रीम की। ये स्टफिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा इसे बिस्किट की क्रीम। स्टफिंग करने के बाद ऊपर इसको मैं क्लोज कर दूँगा बिस्किट वाले डो से। इसको हम निकालेंगे, डीमोल्ड करेंगे। जो भी थोड़ी फिनिशिंग की ज़रूरत है इसको मैं हाथ से दे रहा हूँ।
आइए अब हम रेडी करते हैं टूटी फ्रूटी मोदक। टूटी फ्रूटी मोदक के लिए सेम प्रोसेस रहेगा, थोड़ा सा हम घी लगाएंगे मोल्ड में। ये हमारा डो है, सेम इधर भी ऐसा बनाएंगे हम। अब ये देखिए, यहाँ से मैं ऐड करूँगा स्टफिंग। इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ पिस्ता, जो कि मैंने फाइन चॉप कर रखा है। स्टफिंग हो गई है, अब इसको हम कर देंगे यहाँ से क्लोज। अब इसको हम डीमोल्ड करेंगे। तैयार है हमारा टूटी फ्रूटी मोदक। ये रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आएगी, और अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।